ओफो, इतना सारा आटा बच गया, अब क्या करें। चलो इसका कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी कुकिंग भी सिखा में आपका स्वागत है। आटा जब हमारा ज़्यादा लग जाए, बच जाए, तो उसका हम क्या करें, चलो देखते हैं। आटे की लोइयां बनाते हैं और उनको घी में फ्राई करेंगे। छोटी छोटी लोइयां बना के मीडियम गैस पे हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। एक एक करके सारी लोइयां डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब हमारी लोई अच्छे से फ्राई हो जाए, इनको उलट पलट कर अच्छे से धीमी गैस पे सेकेंगे, जिसमें आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। और ये फ्राई हो गई है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश, खरबूजे के बीज, पम्पकिन सीड्स, चिरौंजी, काजू। बादाम, काजू और पिस्ता को हमने चॉप कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, और जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे घी में। ये देखिए किशमिश फूल गई हैं, ये हल्की फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना था, इसलिए हमने साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ज़्यादा बना रहे हो तो। हमने शक्कर ली है, उसको हमने पीस लिया है। अब उसी जार में हम जो हमने फ्राई करके रखी थी ना लोइयाँ, उनको लेंगे और पीस लेंगे। ये हमने इनको पीस लिया है। ये एकदम ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उस तरीके से तैयार हो जाती है। ये एक बड़े बर्तन में या परात में डालेंगे। ये हमने देखी नाप कर, तो ये 1.5 कप है। तो 1.5 कप में हम 1 कप चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, पर ये मेजरमेंट परफेक्ट है। इसमें हम अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप अगर ऑयली ज़्यादा पसंद नहीं करते तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप दोनों हाथ से कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक हाथ से भी लड्डू बना सकते हैं। जिस भी साइज में आप बनाना चाहें, छोटे या बड़े, आप लड्डू बना सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बचे हुए आटे का इतना अच्छा यूज़ देख के आप बोलोगे हमेशा आटा बच जाए। चलिए हम सारे लड्डू बना लेते हैं और हमारे लड्डू तैयार है। इंजॉय, बाय बाय।